हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको रेलवे ग्रुप डी की जो एडमिट कार्ड आ गई है उसके बारे में बताने वाला हूं कि ग्रुप डी की एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करनी है और क्या क्या सावधानी बरतनी है, और जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए तो एग्ज़ाम सेंटर पर जाते समय क्या क्या हमें करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं। ब्राउज़र पर जाने के बाद हम यहाँ पर वेबसाइट जो है रेलवे का वो डाल देते हैं। यहाँ पर वेबसाइट देख रहे हैं कि मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, इसे सर्च कर देते हैं। तो सर्च करने के बाद ये खुलकर आया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 9 तारीख के डेट में जो नोटिस आया हुआ है ये, तो इस पर हमें जाना है। यहाँ पर ये एग्ज़ाम सिटी सेंटर अपडेट के लिए आया हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये खुल कर आता है। यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत है। तो यूजर आईडी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर्म भरते समय रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, वो यहाँ पर डाल देंगे। तो इसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसके बाद अब डेट ऑफ बर्थ डालना है पासवर्ड के रूप में। तो पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालते हैं, तो डेट यहाँ पर डाल देते हैं हम। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं और उसके डालने के बाद फिर हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है वो बताते हैं। यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं। फिर ये देखिए खुलकर आया हुआ है। ये तो एग्ज़ाम सिटी सेंटर दिखा रहा है, जो पहले मैंने पिछला वीडियो में आपको बता दिया था कि यहाँ पर किस तरह से शो करेगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के बगल में शो कर रहा है ई कॉल लेटर। तो ई कॉल लेटर जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के साथ यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है असेसमेंट, ये और यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 सिलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे वाले बटन पर, सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से खुल कर आ जाएगा नीचे, जो कि असेसमेंट कोर्स और सब्जेक्ट और एक्शन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर एक्शन के नीचे जो डाउनलोड का जो बटन है इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप विंडो खुल जाता है, और पॉपअप विंडो खुलने के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो वो एडमिट कार्ड देखिए, जैसा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड पर क्लिक करते हैं, कैंडिडेट हॉल टिकट है जो, और यहाँ पर हम जूम कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर पता चले। तो यहाँ जूम करने के बाद ये देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर आ गया है, और ये यहाँ पर रोल नंबर शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये सेंटर दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यहाँ पर गूगल मानचित्र लिंक दिया हुआ है। यहाँ ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आप अपने सेंटर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन करते समय जैसा फ़ोटो अपलोड आपने किया था वैसा ही फ़ोटो यहाँ पर लगाना है इस वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर आप एक अपनी फ़ोटो रख लें साथ में, और वैसा ही फ़ोटो आप यहाँ पर लगाएं, पेस्ट करना है आपको। और साथ ही नीचे यहाँ पर दिया हुआ जो ये खाली जगह जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है जो ऊपर में दिया है, कॉपी द डिक्लेरेशन डिस्प्लेस ऑन योर स्क्रीन इन योर रनिंग हैंडराइटिंग। मतलब कि यहाँ पर आपको ये लिखना है कि जो स्क्रीन पर आपका शो कर रहा होगा वहाँ पर ये घोषणा के बारे में लिखना है। तो ये आपको एग्ज़ाम सेंटर में लिखना होगा। और इसके बाद चलिए जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर देख लीजिए, पढ़िए उम्मीदवारों के लिए अनुदेश कृपया ध्यान से पढ़ें एवं अनुपालन करें। तो उम्मीदवारों को केवल मूल फोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी। मतलब कि ई बुलाव पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले ही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट कर लें, ताकि परीक्षा आरंभ होने से पहले उम्मीदवार सारी आवश्यक गतिविधियों जैसे उम्मीदवार सत्यापन, बायोमेट्रिक कैप्चर, दस्तावेज का लॉगिन आदि पूरी तरह से कर सके। और इसके बाद देखिए जो एग्ज़ाम होने का समय है वो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराए जाएंगे, जो कि तीनों शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है 7:15 है सुबह में, और 10:45 पे है सुबह में ही है, और फिर तीसरा शिफ्ट जो है तो वो 2:15 है।
इसके बाद देखते हैं गेट बंद होने का जो समय है 8:15 है शिफ्ट वन का, और शिफ्ट टू का गेट बंद होने का समय 12:15 है, और शिफ्ट थ्री का गेट बंद होने का समय 3:15 है। इसके बाद एग्जाम जो प्रारंभ होगा वो आपका 9 बजे सुबह में प्रारंभ होगा, फिर 12:30 बजे शिफ्ट दो का एग्जाम प्रारंभ होगा, और शिफ्ट थ्री का जो एग्जाम प्रारंभ होगा वो 4 बजे प्रारंभ होगा। इसके बाद इसमें ये देखना है कि ई बुलाव पत्र में दी गई तिथि एवं शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के बाद यदि कोई उम्मीदवार आता है तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द रिपोर्टिंग टाइम के पहले तक आप अपने सेंटर पर पहुंच जाए। इसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर ले, ताकि परीक्षा के दिन से परीक्षा केंद्र पर सही समय पर पहुंच सके। और इसके बाद देखिए एक और ये इम्पोर्टेंट बात है कि परीक्षा के समय सत्यापन के लिए ई बुलाव पत्र मतलब कि एडमिट कार्ड प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। मतलब एडमिट कार्ड आपके पास नहीं होगा तो परीक्षा केंद्र में आप नहीं जा सकते हैं, और कम से कम एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, जो कि फ़ोटो कॉपी वगैरह नहीं होना चाहिए, फ़ोटो स्टेट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और उसमें आईडी प्रूफ में आप वोटर कार्ड रख सकते हैं, आधार कार्ड रख सकते हैं, या ई आधार की कॉपी रख सकते हैं ओरिजिनल, और ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर कोई भी एक गवर्नमेंटल सेंटर प्रूफ आप अपनी आईडी प्रूफ रख सकते हैं। और पहचान पत्र की फोटोकॉपी नहीं ली जाएगी, इसलिए फोटोकॉपी आप लोग ना करा कर जाएँ, सिर्फ ओरिजिनल आईडी लेकर जाएँ। और एक चीज़ ये ध्यान देने की बात है कि इस बुलाव पत्र के आरआरबी वाले खंड के निर्दिष्ट जगह में पासपोर्ट आकार के इतना जो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा जो का रंगीन फ़ोटो ही चिपकाएं जो ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपलोड किया गया। मतलब कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आपने फ़ोटो लगाया है तो वो फ़ोटो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा, और एडमिट कार्ड में दिए गए परीक्षा की तारीख निर्दिष्ट शिफ्ट और समय के लिए ही वैध है। मतलब कि जिस टाइम पर आपका एडमिट कार्ड में परीक्षा का टाइमिंग दिया गया है वो उसी टाइम पर लिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात एक ये है कि प्रतिबंधित आइटम मतलब कि आपको क्या क्या वहाँ पर नहीं लेकर जाना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आप मोबाइल फ़ोन, घड़ी, ब्लूटूथ उपकरण, कैलकुलेटर कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, या फिर चूड़ियाँ, ब्रेसलेट या गले में माला, लॉकेट वगैरह कुछ भी आप नहीं पहन कर जा सकते हैं। इन सब के लिए प्रतिबंधित किया गया है, और ये सब ज़रूरी बातें हैं, और इनके गुम होने के लिए आरआरबी सेवा प्रदानकर्ता उत्तरदायी नहीं होगा, इसलिए आप लोग ये सब चीज़ ना लेकर जाए। और एग्जाम हॉल में सिर्फ आपको ई कॉल लेटर मतलब कि जो एडमिट कार्ड है और फोटो आईडी कार्ड की मूल प्रति ही ले जा सकते हैं, या फिर एग्जाम सेंटर में ना है कोई पेन, पेंसिल वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद देखिए 9 नंबर पर जो सूचना है वो उम्मीदवार अन्य महत्वपूर्ण निर्दिष्ट पृष्ठ के निचले बाएँ हिस्से में उपलब्ध ड्रॉप डाउन सूची के 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा को सिलेक्ट करें। आप एग्जाम देने समय कोई भी एक भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी भाषा हिंदी है तो हिंदी डिफॉल्ट लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं चयनित भाषा में सभी प्रश्न देखेंगे और ड्रॉप डाउन सूची का उपयोग कर किसी भी प्रश्न को किसी अन्य भाषा में भी आप देख सकते हैं। तो आइए चलिए अब अगला देखते हैं। गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग होगी, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि ये जानना कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की कटौती में होगी। और आरआरबी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछे जाएंगे, वो मॉक टेस्ट दिया हुआ है। इसके बाद है परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार, अनुचित साधनों, दुर्व्यवहार, अनुशासनहीनता में शामिल होने पर आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। और रब कार्य के लिए आपको वहाँ पर सीट दिया जाएगा जिसमें अपना नाम और अनुक्रमांक आपको वहाँ पर लिखना है रब सीट में, और वो रब सीट पुनः वापस कर देना है वहाँ पर परीक्षा सेंटर पर ही। और परीक्षा के लिए उम्मीदवार को खुद की यात्रा एवं आवास की व्यवस्था करनी होगी। और एडमिट कार्ड पत्र अस्थायी जो उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में दी गई पात्रता शर्तों और जैसे शैक्षणिक अर्हता, वर्ग, पीडब्ल्यूडी आदि स्थित जानकारी की चयन प्रक्रिया की आगे चरणों में घोषणा
चरणों में की जाने वाली जांच पर निर्भर करती है, और इन्विजिलेटर जो होता है उसके द्वारा दिए गए कोई भी विशेष निर्देश यदि हाँ तो कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए। इसके बाद परीक्षा तिथि शिफ्ट में कोई परिवर्तन की उम्मीद मत रखिएगा, कोई अनुमति नहीं है कि आपका शिफ्ट या परीक्षा केंद्र या तिथि चेंज हो सके, और केवल ई बुलाव पत्र के जारी करने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह पद के लिए पात्र है, उसकी उम्मीदवारी संपूर्ण अस्थायी तथा तत्पश्चात भर्ती के किसी भी चरण में यदि यह उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है और पाई गई किसी भी विसंगति स्थिति में रद्द किया जा सकता है। मतलब कि अगर किसी भी तरह का विसंगति होता है तो रेलवे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा और वो उसे रद्द कर सकता है, और रेलवे भर्ती बोर्ड के पास यह अधिकार है कि वह किन्हीं उम्मीदवारों तो अथवा सभी उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित कर सकता है। मतलब कि अगर बाई चांस नकल वगैरह होता है तो उसके लिए वो रेलवे पुनः परीक्षा का आयोजित कर सकता है, और सभी मामलों में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों को इससे सहमत होगा ना होगा। और ये रही एडमिट कार्ड से संपूर्ण सावधानियां और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है एग्जाम हॉल में, और किस तरह से एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है आपको, और एडमिट कार्ड के साथ में क्या क्या ले जाना है, तो वो आप इसमें पूरी तरह से देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि एडमिट कार्ड आ गई है, सबको डाउनलोड करना होगा, तो इसलिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का नियम विधि सबको पता होना चाहिए, तो आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं इस चैनल पर आप सबके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता हूँ, आप इसमें ग्रुप डी के मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट या सामान्य विज्ञान मैथ वगैरह सब कुछ का यहाँ पर पढ़ाई किए कराया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।